गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। और आज हम लोग जो है रीजनिंग में कल तक जहां पढ़े थे उसी के आगे आज चर्चा करेंगे। हम लोग दोस्तों अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट में कल मैंने बता दिया था कि अक्षर की स्थिति से हमको कैसे निकालना है। जैसे मैं प्रश्न आपको 4-5 प्रश्न दिया भी था और इस शीट जो है उसको अपलोड भी किया था दोस्तों, आप लोग सॉल्व किए होंगे। याद रखिएगा जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है जिसमें फिगर काउंटिंग हो गया, तो फिगर काउंटिंग तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिगर को पूरा करना मतलब कौन सा फिगर इसको कंप्लीट करता है, इस टाइप के 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एयरफोर्स में 5 क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं। तो याद रखिएगा जैसे कल मैंने एक शीट भेजी थी फिगर कंप्लीट का, तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ आएंगे, ठीक। तो देखिए उसको मैंने भेजा था और आप उसको धीरे धीरे सॉल्व करते रहिए, ठीक। तो उससे आपका नॉन वर्बल आपका तैयार होगा और इधर तो वर्बल मैं पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों। तो आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न पहले कल वाले प्रश्न पर मैं ले लेता हूँ। जैसे पहला प्रश्न मान लीजिए कह दिया जाए कि कौन सा अक्षर आपके बाएं से 15वें के दाएं 4वां होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार देख लेता हूं कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर दिख रहा है, छोटा लिख रहा हूं। अच्छा ठीक है, बड़ा लिखता हूं दोस्तों। तो देखिए यही प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा दोस्तों कि कौन सा अक्षर आपके बाएं से 15वें के दाएं 4वां होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या लिखा है देखिए, बाएं से 15वां अर्थात यही है मान लीजिए। तो बाएं से 15वां मान लीजिए यही कोई अक्षर है, यल से 15, उसके बाद दाएं चौथा। अब इसका दाया क्या होगा दोस्तों, इधर मैंने बताया था कि इधर बाया होता है और इधर दोस्तों क्या होता है, दाया होता है। तो इसके दाएं चौथा अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, 4वां। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मैंने बताया था कि जब आपका एक तो है यल 15 और प्लस आर 4। हमने कहा दोस्तों जब यल और आर दिया रहे, एक आपको यल दिया रहे एक आपको आर दिया रहे, तो उसमें करते क्या है, इसको दोनों को जोड़ देते हैं और आगे वाला लिख लेते हैं, अर्थात यल 15 4 19। यल 19, जी हाँ दोस्तों, यल 19 का मतलब हुआ दोस्तों कि 19 किसका कोड होता है, 19 कोड होता है हमारा यस का। तो यस आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, इसमें क्या किसी भी प्रकार की समस्या है दोस्तों। जैसे अगर कह दिया जाए कि कौन सा अक्षर आपके बाएं से 14वें के दाएं 9वां अक्षर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके बाएं से 14वें के दाएं 9वां अक्षर होगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों करेंगे क्या, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम उसी तरह है दोस्तों, सेम टू सेम उसी तरह है, इसमें कुछ है नहीं। तो क्या कह रहा है, आपके बाएं से 14, यल 14 हो गया दोस्तों, प्लस दाएं से 9वां आर 9, तो ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यल और 14 9 दोस्तों 23। और 23 का मतलब क्या हुआ बताइए, 23 का मतलब हुआ दोस्तों हमको पता है कि 3 लिखा है, अब 3 की तरह या तो यम बनेगा या तो डब्लू बनेगा, तो यम तो 13 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, अर्थात डब्लू आ जाएगा आंसर। किसी भी तरह की कोई समस्या हो दोस्तों बताइए, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था, आज हम उसी के आगे देखेंगे दोस्तों, उसी के आगे देखेंगे। और आगे क्या देखेंगे सुनिएगा, वर्णमाला के मध्य का पद ज्ञात करना। चलिए दोस्तों अगला जो देखेंगे हम वो क्या देखेंगे, वर्णमाला के मध्य का पद ज्ञात करना, क्या निकालना, मध्य का पद ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला के मध्य का पद ज्ञात करना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें तथा दाएं से 14वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं। जी हाँ दोस्तों, बाएं से 12वें यल
12, और दाएं से 14वें आर 14 के मध्य कितने अक्षर हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिएगा, याद रखिएगा, जब आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए, मध्य का पद निकालना हो, तो दो तरीका है। पहला, चूंकि आपको पता है कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं दोस्तों, कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, आप इसको और इसको जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो इसको दोनों जोड़ेंगे तो 14, 10, 24 और 25, 26 हो गया। क्या आया इसका अंतर, इसका अंतर दोस्तों 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अब सुनिए, यल के बाद क्या होता है, यम यन ओ पी क्यू आर, यही तो होता है दोस्तों। अब सुनिए दोस्तों, लेफ्ट से 12वें नंबर पर है, राइट से 14वें नंबर पर है, अब इसके बीच में कौन सा अक्षर है हमको नहीं पता, ये तो यल और आर मान के मैंने पी क्यू आर यम एन ओ पी लिख लिया, लेकिन अब चूंकि हमको तो ये पता नहीं है दोस्तों, हमको तो ये पता नहीं है कि इसके बीच में कौन सा अक्षर है दोस्तों, लेकिन हम इतना जानते हैं दोस्तों कि जब दोनों का योग दोस्तों 26 होगा, तो जान लीजिएगा कि बीच में कोई भी पद नहीं होगा। कैसे, आइए हम समझते हैं, एक दो नियम पहले समझ लेते हैं फिर प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक दोस्तों। अगर मान लो इसको मैंने ले लिया, तो ये लेफ्ट से 6वें नंबर पर है, ठीक, इसको मैंने ले लिया, ये राइट से 19वें नंबर पर है, कोई दिक्कत, लेफ्ट से 6वें नंबर पर है, राइट से 19वें नंबर पर है। पूछेंगे कि सर जी कैसे जाने कि राइट से 19वें नंबर पर है, तो मैं कहूंगा इसका कोड 8 होता है दोस्तों, और 27 में से 8 घटा देंगे तो आपको राइट से मिल जाएगा, और अगर गिनना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक। तो देखिए, अब इसको दोनों को अगर हम जोड़े दोस्तों, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9, 6, 15, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। अगर दोनों का योग 25 है, इसका मतलब बीच में कितने लोग हैं, एक लोग है। कैसे पता किए दोस्तों, कैसे पता किए, टोटल 26 होते हैं, और 26 में से दोस्तों 25 मैंने घटा दिया, हमको मिल गया कि एक अक्षर होते हैं दोस्तों। दूसरा चीज सुनिएगा दोस्तों, अगर यही डी की बात की जाए, तो ये राइट से कितना होगा दोस्तों, तो डी का कोड 4 होता है, और 27 में से 4 घटा दीजिए तो 23 हो जाएगा, ठीक। अब अगर कोई कह दे कि लेफ्ट से 6वां, सुनिएगा, लेफ्ट से 6वें नंबर और राइट से 23वें नंबर के बीच कितने पद हैं, तो देखिए इसको दोनों को जोड़िए तो 23 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 23 और 6 29 हो गया दोस्तों, लेकिन इस तरह कितना है दोस्तों, 26 है, इस तरह 26 है, इस तरह 29 है, तो करेंगे क्या दोस्तों, 29 माइनस 26 तो कितना आया, 3, और इसमें से 2 और घटा देंगे। याद रखिएगा, एक प्रश्न आपको मैंने बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जो आपकी सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज में मैंने बताया था कि जब आपको बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो और दोनों का योग अगर 27 से ज्यादा आ जाएगा, 27 से ज्यादा आ जाएगा, तो जितना आएगा उसमें से 27 तो घटाएंगे ही और 2 और घटा देंगे, यानी कि कितना घटा देंगे दोस्तों, कितना घटा देंगे, 27 तो हमारा संख्या ही है, ठीक, उसमें 2 और घटा देंगे, तो ये देख रहे हैं दोस्तों, पहले हमने 26 घटाया, फिर हमने 2 और घटा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का योग, लेफ्ट और राइट का योग दोस्तों, अगर आपका 26 से बड़ा है, क्या है दोस्तों,
26 से बड़ा है तो हम किससे घटाते हैं दोस्तों, किससे घटाते हैं मतलब कितना घटाएंगे, 26 तो घटाएंगे ही और दो और घटा देंगे अर्थात 28 घटा देते हैं। किसी को किसी भी तरह की समस्या हो दोस्तों बताइए, ठीक। तो आगे देखिए, ये सारा प्रश्न हम जो है अभी चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। अब हम प्रश्न पर आते हैं, अब हम प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के दाएं 14वां, तो बाएं से 12वां के दाएं जो है 14वां, तो लेफ्ट और राइट यानी कि जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, लेफ्ट से 12 राइट से 14 तो 10 10 20 4 2 6 यानी कि 26 आ गया। हमने कहा दोस्तों कि अगर 26 से बड़ा रहेगा तब 28 से घटाएंगे, अगर 26 से छोटा रहेगा दोस्तों तब 26 घटाएंगे। तो अगर 26 ही रहेगा दोस्तों तो 26 में 26 घटाएंगे अर्थात कितने पद आ जाएंगे बीच में, बीच में पदों की संख्या 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न देख रहे होंगे दोस्तों, 58 नंबर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें तथा दाएं से 9वें, बाएं से 18वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने पद हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए 18 और 19 तो दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। हमने कहा दोस्तों कि अगर 26 रहेगा, अगर 26 रहेगा तो आप 26 से घटाएं, मतलब अगर आप दोनों का योग जो है 26 से कम रहेगा तो 26 से घटाएंगे, और अगर 26 से ज्यादा रहेगा दोस्तों तो जो योग रहेगा योग में से हम क्या घटाएंगे, 28 घटाएंगे। लेकिन यहां देख रहे हैं दोस्तों 27 आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे दोनों का योग, अब सुनिएगा नियम देखिएगा दोस्तों, दोनों का योग अगर 26 आ जाए, अगर 27 आ जाए और अगर 28 आ जाए, क्या आ जाए, 26 27 28, तो बीच के जो पद होंगे दोस्तों, बीच में जो पदों की संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, 26 27 28 इस तीन में से कोई भी आ जाएगा दोस्तों तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे आगे देखिए अगला प्रश्न लिखा है 59 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं से 17वां, यानी कि बाएं से 11वां और दाएं से 17वें अक्षर के बीच कितने पद हैं दोस्तों। तो देखिए 11 और 17 10 27 एक 28 आ गया दोस्तों, और 28 आ गया इसका मतलब कितने पद होंगे दोस्तों, 0 पद होंगे। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिएगा। आगे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें, बाएं से 8वें क्या लिखते हैं, बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने पद हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए 8 7 15 हो गया दोस्तों, दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर 26 से कम है तो 26 से घटाइए, अगर 26 से ज्यादा है तो इसमें से आप 28 घटा दीजिए। तो देखिए 15 आ गया, 26 से कम है तो 26 से आप 15 घटा दीजिए दोस्तों, तो 15 5 20 6 5 11, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, 11 अक्षर है। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 61 लगा है, 61 62 63 64, ठीक दोस्तों 61 से लेकर के 64 तक, इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिए बताइए कि 61 2 3 4, तो आप कैसे बताएंगे, एक एक लिखिए फिर आंसर, दो लिखिए फिर आंसर, तीन लिखिए फिर आंसर, चार लिखिए फिर आंसर, ठीक। तो चारों क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, चारों क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखिए 61 का अगर देखेंगे तो बाएं से 15वां और दाएं से तीसरा, तो 15 3 कितना हो गया दोस्तों, 18, 26 से कम है तो 26 से कम है तो 26 से घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों बीच में, 8 पद। फिर देखिए दूसरा वाला, बाएं से 22वां और दाएं से 18वां के बीच, अब देखिए 22 10 32 और 32 8 40, अब बीच में दोस्तों कितना हो गया, 40 हो गया, कितना हो गया दोस्तों,
40 हो गया। अब 40 हो गया तो अब किसमें से घटाएंगे दोस्तों, बीच में पदों की संख्या 40 हो गई। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमको पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बीच में दोस्तों कितने, ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 40, आर से 18, राइट से 18, तो 18 का मतलब 27 में से 18 घटाइए कितना आएगा बताइए, तो 18 दो 20 सात दो 9, 9 का मतलब आई हो गया दोस्तों आर से 18, और लेफ्ट से 22 दोस्तों वी हो गया आपका, ये लेफ्ट से 22। तो बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लोग हैं दोस्तों 12 लोग। अब करेंगे कैसे, आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो आपने कहा 26 से ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, जैसे 40 लिखा है दोस्तों 40 में से आप 28 घटा दीजिए, ठीक। तो 40 में से दोस्तों 28 जब घटा देंगे तो 28 दो 30 और 10 40 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यहां भी आपने गिन के भी देख लिया दोस्तों और इस तरह भी देख लिया, कहीं कोई समस्या और बताइए। याद रखिएगा केवल एक ही नियम कि अगर 26 से कम होगा, 26 से कम होगा तो 26 से घटाएंगे, अगर 26 से ज्यादा होगा तो 28 घटा देंगे उसमें से, संख्या में से जितना ज्यादा होगा। तो ये था आपका 61 और 62। 63 नंबर आप बताइए दोस्तों, 63 नंबर बताइए कितना होगा, 63 नंबर में बताइए क्या होगा आंसर, 63 नंबर देखिए दोस्तों, 63 नंबर कह रहा है कि बाएं से 22वें अक्षर के और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होगा, तो 22 8 30 हो गया दोस्तों, और 30 में से 28 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2, यही आ जाएगा आंसर, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 64 कह रहा है कि बाएं से 22वां और दाएं से और बाएं से 22वें के तथा बाएं से 8वां, बाएं से 8वां दोस्तों दोनों चीज बायां ही दिया है, बाएं से 8वां और बाएं से 22वां। तो भाई अब इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों, देखिए बाएं से 8वां यहां पर होगा, बाएं से 22वां यहां पर होगा, तो 22 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो अपने आप बीच का हमको पता चल जाएगा दोस्तों, तो 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 14, तो बीच में कितने अक्षर हो जाएंगे 14 अक्षर हो जाएंगे। तो ये था हमारा कि मध्य के पद ज्ञात करना, कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। आगे देखिए दोस्तों अगला जो टाइप है, ठीक अगला जो टाइप है दोस्तों वो है अक्षर युग्म ज्ञात करना। अक्षर युग्म होता क्या है दोस्तों, अक्षर युग्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिखा है और कह दिया गया कि इंग्लिश में कितने अक्षर या अक्षरों का युग्म ऐसा है जो उसी क्रम में है जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में रहते हैं दोस्तों। तो इसका दो तरीका है, आप सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए 5 14 7 12 9 19 और 8। अब आप करिए क्या, आप अक्षर एक लेंगे, एक बार उस अक्षर के आगे चलिए और एक बार उस अक्षर के पीछे चलिए, लेकिन बढ़ेंगे आगे ही, मतलब जैसे 5 है तो आगे चलेंगे तब भी 5 6 7 8 9 10 11 12 देखेंगे, 5 के पीछे है तब भी 6 7 8 9 10 11 12 देखेंगे। तब अगर 5 है तो देखिए 6 7 एक युग में ये मिल गया, 8 9 10 11 खत्म, फिर पीछे तो कुछ है नहीं, आगे चलिए 14 आ गया, 14 से आगे चलेंगे तो 14 के बाद 15 16 17 18 19 नहीं मिला, 15 14 के पीछे चलेंगे नहीं मिलेगा, फिर आगे चलिए 7 तो 7 8 9 देखिए एक अक्षर ये मिल गया, 10 11 फिर पीछे चलेंगे अगर तो 7 8 9 नहीं मिलेगा, फिर 12 चलिए दोस्तों तो 12 के बाद 13 14 15 नहीं मिला, फिर 12 के पीछे 13 14 देखिए ये मिल गया, मतलब अक्षर हम एक लेंगे उसके आगे भी देखेंगे उसके पीछे भी देखेंगे, ठीक आई है फिर 9 10 11 नहीं मिला, इधर चलिए 9 10 11 12 13 नहीं मिला, यस 19 20 21 नहीं मिला, 8 तो आगे तो कुछ है नहीं पीछे चलेंगे तो 8 9 10 11 12 13 14 नहीं मिला, अर्थात कितने अक्षर युग्म हैं, तो 3 अक्षर युग्म है, कौन कौन से दोस्तों, ई एल एन ई जी
एन एल और जी आई। कहीं कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए, करेंगे क्या? एक अक्षर आप लीजिए, बढ़ते उसकी गिनती आप बढ़ाते चलिए, मतलब पांच के बाद छह आता है, फिर सात आता है, फिर आठ, तो जो मिल जाए आपको उसी स्थान पर वही हम लिख लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। जैसे एक और लेता हूं मैं, एक और लेता हूं दोस्तों, जैसे लिखा है दोस्तों एवरेज, ए वी ई आर ए जी ई। अब देखिए मैंने कहा कोड पहले लिख लीजिए, एक बाईस पांच अट्ठारह एक सात और पांच। चलिए बढ़ते क्रम में एक से पहले आगे चलेंगे तो दो तीन चार पांच छह सात, नहीं मिला। बाईस पे चलिए दोस्तों तो बाईस के बाद तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, पीछे तो बड़ा है नहीं। पांच से चलिए दोस्तों पांच छह सात आठ नौ, नहीं मिला। अट्ठारह चलिए दोस्तों तो अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस, नहीं मिला। पीछे चलिए तो अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस, नहीं मिला। एक चलिए तो एक दो तीन, नहीं मिला। एक दो तीन चार पाँच, नहीं मिला। सात से चलिए दोस्तों सात के बाद आठ, तो सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, नहीं मिला। यस से चलिए दोस्तों तो ये पाँच है, तो पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, नहीं मिला। अर्थात इसमें एक भी अक्षर युग्म नहीं है। तो अक्षर युग्म निकालना आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आज हमने दो चीज पढ़ा, पहला चीज पढ़ा कि मध्य के पद ज्ञात करना, दूसरा चीज पढ़ा दोस्तों अक्षर युग्म ज्ञात करना। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, बताइए। इसकी जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन हमने बताया दोस्तों, वो क्वेश्चन और प्लस उस पर आधारित कुछ प्रश्न दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में कल सुबह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।